हमीरपुर सदर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। यह सीट अभी तक भाजपा के कब्जे में थी, जो विधायक के जेल जाने के बाद खाली हुई है और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। भाजपा इसे हर हाल में अपने कब्जे में रखना चाहती है, इसीलिए तो प्रदेश सरकार के कई मंत्री रात दिन यहीं डेरा डाले हुए हैं। और अब जब आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है, इस दौरान मुख्यमंत्री को खुद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने आना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड सहित हमीरपुर के किसानों को खुश करने की बात कहते हुए कहा कि सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है, जिससे सभी किसानों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड का सभी किसान किसान सम्मान निधि की पात्रता रखता है। यह भारत का सम्मान है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है और वही कार्य केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। मैं बुंदेलखंड आता था, बुंदेलखंड में अक्सर लोग कहते थे कि किसान सम्मान निधि का पैसा यहां के किसानों को कैसे मिलेगा। मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने क्या निर्णय लिया था कि किसान सम्मान निधि में लघु और सीमांत किसानों के बाद सभी किसानों को भी हम इसके दायरे में लेने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, बुंदेलखंड का हर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्रता रखता है और उसको इस सम्मान निधि के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। 1,57,00,000 किसानों को अब तक हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ चुके हैं, जिसमें उसे 6,000 रुपए सालाना मिला करेगा और जो किसान छूटा है उसको भी हमने उसके नाम को भी अपलोड करने की कार्रवाई करते हुए आगे उसकी स्क्रीनिंग की कार्रवाई चल रही है। सभी किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।